शनिवार को कोसीकला थाना परिसर में उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में कस्बे के व्यापारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने की सभी से अपील की गई। शनिवार को थाना कोसीकला परिसर में उपजिलाधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार और क्षेत्राधिकारी जगदीश काली रमन की अध्यक्षता में कस्बे के व्यापारियों के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लॉकडाउन के समय कोरोना वायरस की वजह से पूर्व में यूपी की सीमाओं को सील करने के साथ साथ और वर्तमान में सीमाओं को पूरी तरह से सील करने के बारे में व्यापारियों को जानकारी दी गई। कोरोना वायरस तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है, सीमाओं को सील करके आम जनमानस की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सकेगा। साथ ही बैठक में मौजूद व्यापारियों से सीमाओं के पार राजस्थान हरियाणा से होने वाले कार्यों को जल्दी से निपटाने के निर्देश दिए गए, जिससे शासन के आदेशों का पालन आम लोगों से कराया जा सके। वहीं बैठक में मौजूद लोगों से गुटखा तंबाकू न बेचने के लिए आग्रह किया। बैठक में उद्योग व्यापार मंडल सहित नगर के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। बैठक को लेकर क्षेत्राधिकारी जगदीश काली रमन ने नगर के रहने वाले लोगों से अपने घरों में सुरक्षित रहकर गंभीर बीमारी में सहयोग करने की अपील की। बैठक की गई है, किस बात की गई थी? बैठक करी गई थी आज, एक लॉकडाउन का जो नियम है उनका उल्लंघन ना हो और उसका पालन किया जाए। लॉकडाउन का लोग अपने घरों पर रहें, अनावश्यक रूप से घूमे ना और मास्क लगा के रहें। सार्वजनिक स्थान पर जब भी वो निकलते हैं तो मास्क लगा के रहें, नहीं तो उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट और 188 IPC के तहत कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी बात ये थी कि जो गुटखा और तंबाकू है वो दुकानों पर बिकने की योजनाएँ आ रही थी, तो आज व्यापारी संगठन को समझाया गया है, बताया गया है कि गुटखा और तंबाकू की बिक्री बिल्कुल बंद है और वो किसी भी तरीके से पूरे शहर में बिकेगा नहीं। अगर बिकेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ सीमाएं सील होने की बात भी देंगे, सीमाएं देखिए अभी हमारी जो सीमाएं हैं, सीमाओं पे जो बैरियर लगे हैं हमारे, चाहे वो हमारा हरियाणा यूपी जो हमारा कोटरोन बैरियर है या शाहपुर बैरियर है जो थाना कोसीकला में पड़ता है या गढ़ी दरबारी वाला है, इन पर ऑलरेडी बैरियर लगे हैं, चेकिंग चल रही है और ज़्यादा उस पर सख्ताई बरती जा रही है कि इस समय भरतपुर में और मेवात के अंदर काफ़ी सारे पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं कोरोना के, तो उसके तहत और ज़्यादा सख्ताई की जाएगी कि वहाँ से मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाए। लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस प्रशासन का साथ दें और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें, अपने घर पर रहें और खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।